तो जंगल की जो एक शांति होती है ना, वो फील हो रही है यहाँ पे। इट इज जस्ट साइलेंस। बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। अलग ही फील है यार इधर का, मतलब मज़ा। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अभी आपको मेरा चेहरा देख के लग ही रहा होगा कि मैं काफ़ी कम सोया हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं फिर से एक नई ट्रिप पर, जिसके लिए पैकिंग करते करते और इन एक्साइटमेंट में आई कुड नॉट स्लीप दैट वेल। तो मैं आपको भी बाहर का माहौल दिखाऊँ तो ऐसा कुछ नज़ारा है। टोटली डार्क है अभी, जस्ट अभी 5:00 अराउंड 6 या 7 मिनट हो रहे हैं एंड आई एम ऑल रेडी। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी एंड आई विल सी यू ऑन द बाइक। असुविधा के लिए थोड़ा खेद है, लेकिन आज के दिन की जो सारी रिकॉर्डिंग है मेरे एक्शन कैम से, उसमें कोई भी ऑडियो नहीं आया, क्योंकि मेरा माइक सेट करते टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इस सारे फुटेज को आप एंजॉय कीजिए वॉइस ओवर के साथ। सुबह सुबह का समय था, नोएडा से मैं निकला था 5:15 के करीब, और एकदम बढ़िया मस्त वेदर, ठंडी हवा, उसमें हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया ऐसे कुछ नज़ारों के साथ। और जो खुशी कोई भी ट्रिप स्टार्ट करते टाइम लगती है, वो मैं इस टाइम फील कर रहा था। अपने शहर को आप छोड़ के निकलते हो, ट्रिपिंग लाइफ से एक चेंज के लिए निकलते हो, उस टाइम बड़ा सही लगता है। थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो सनराइज स्टार्ट होने लगा था, रेड ऑरेंज कलर के साथ सूर्य देवता अपने दर्शन देना स्टार्ट कर रहे थे। ऐसे तो सनराइज रोज होता है, लेकिन अगर आप अपने घर से भी देखते हो, वो वाली फीलिंग नहीं आती जब आप ट्रेवल करते टाइम सनराइज देखते हो सड़क पे चलते हुए, तो वो एक अच्छा सा एहसास जो होता है, एक फ्रेशनेस जो लगती है, वो सफर टुवर्ड्स हापुड कंटिन्यू किया। चलने के करीब 1.5-2 घंटे बाद हम पहुंच चुके थे गढ़मुक्तेश्वर, जिसको ब्रज घाट भी कहते हैं। तो जब भी आप उत्तराखंड जाते हो दिल्ली से, तो यही रास्ता आपको पकड़ना पड़ता है मोस्ट प्रॉब्ली। एक रास्ता मेरठ की तरफ से भी जाता है, लेकिन आया हापुड़ वाला रास्ता मैं पकड़ के जा रहा था, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट आ रहा था। तो आज का जो अपना प्लान है वो है पहुँचने का टुवर्ड्स लोहागढ़ या फिर पिथौरागढ़। इवेंचुअली जहाँ हम पहुँच पाएंगे वो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन फ़िलहाल सफ़र एकदम मस्त चल रहा था। बढ़िया मौसम, हल्की हल्की धूप और बहुत ही अच्छी हवा फील करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ रामपुर से रुद्रपुर के बीच में, कहीं 200 किलोमीटर से ऊपर कवर हो चुके हैं अभी, और मज़ा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी है अब, लेकिन ऑल इन ऑल बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी खाली था, कहीं भी जाम नहीं मिला मुझे रामपुर में भी, जैसा मैंने सोचा था कि जाम वगैरह मिल सकता है वहाँ पर, लेकिन आज काफ़ी क्लियर था। तो तेज़ी से बढ़े जा रहे हैं अभी रुद्रपुर से आगे 10-15 किलोमीटर बाद आई थिंक पहाड़ चालू हो जाएंगे। तो एक नई एनर्जी, एक नया एक्साइटमेंट जो कि पहाड़ पर राइड करने का होता है, वो स्टार्ट होगा। एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखो वाइज़र पे कीड़े दिख रहे हैं, इतने सारे कीड़े चलते चलते बेचारे चिपक जाते हैं बाइक। आगे चल के जब मैं रुद्रपुर पहुंचा तो वहाँ पर मैंने अपनी बाइक में डलवाया पेट्रोल, और वहीं पेट्रोल पंप पर भैया मुझे मिले, जिनसे मैंने करवाया चैनल सब्सक्राइब और थोड़ी सी बातें की। उसके बाद हम निकल दिए आगे की तरफ, और अभी थोड़ा गर्मी बढ़ने लगी थी, दोपहर के 11:30-12 बज चुके थे। तो मेरे मन में बस यही चल रहा था कि जल्दी से हम पहाड़ों पर पहुँचें और मौसम थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो और मज़ा आना स्टार्ट हो एक्चुअल ट्रिप का। फाइनली पहाड़ों वाला रास्ता स्टार्ट हो गया था तनकपुर पहुँचने के बाद, और फिर जो
एक नया जोश, एक नई उमंग बाइक चलाते टाइम जो आती है राइडर्स को, उसका एहसास मुझे होना स्टार्ट हुआ। अलग ही फीलिंग आती है, मतलब जब भी आप कितने भी टाइम बाद पहाड़ों पर बाइक लेके जाते हो और वो जो ट्विस्टीज एंड बेंड्स वाले रास्ते स्टार्ट होते हैं, तो आपकी सारी थकान जो प्लेन्स में चला के आप आए हो बाइक, वो जो होती है वो सब उड़ जाती है। फिर आप एकदम मज़े से बाइक चलाना स्टार्ट करते हो, इतने अच्छे नज़ारे दिखना स्टार्ट होता है। तो उसी का एहसास लेते हुए हमने तनकपुर से आगे स्टार्ट किया अपनी राइड को और धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ने लगे। अभी जस्ट मैं ऐसे ही सड़क पर जाते जाते इधर साइड में आकर रुक गया हूँ, थोड़ा नज़ारा सोक इन करने के लिए। ये देखो ऐसे है नज़ारे, फ़िलहाल मस्त ठंडा मौसम हो रखा है, धूप भी निकल रही है बट कोई गर्मी नहीं लग रही। आप लोगों को एक पहाड़ों का जादू दिखाता हूँ बाइक के ऊपर। ये देखो, ये इन दोनों एरियाज़ में टायर के जो आपको कलर का डिफरेंस लग रहा है वो है लीन करते वक्त जो सारा ये जो एरिया है टायर का ये कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे लेफ्ट साइड को लीन कर रहा हूँ मैं और ये वाला जब मैं राइट साइड लीन कर रहा हूँ, नॉर्मली हमारा जो कांटेक्ट एरिया है वो इतना रहता है लेकिन पहाड़ों में ये बढ़ जाता है। तो पता है, इसमें से एक और कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो वॉल है लेफ्ट साइड वाली, ये थोड़ी पतली है कंपेयर टू दिस वन जो कि राइट साइड वाली है। इसका मतलब ये है कि मैं लेफ़्ट साइड ज़्यादा लीन कर रहा हूँ, राइट साइड में उतना लीन नहीं कर रहा। ये सेम चीज़ पीछे वाले टायर में भी आई थिंक दिखेगी। ये देखो पीछे वाला टायर तो कुछ ज़्यादा ही टच में है, ऑलमोस्ट साइड वॉल तक ही आ गया है कॉन्टैक्ट एरिया। तो इसमें इतना सा गैप है और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, हल्का सा, मामूली सा फ़र्क है, इतना भी नहीं है। बट आगे वाले टायर से क्लियरली हो रहा है विजिबल कि लेफ्ट साइड में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ लीन करते वक्त। यहाँ पर मैं रुका हूँ एकदम जंगलों के बीच में, इस साइड भी जंगल है ऊपर पहाड़ में, नीचे खाई भी जंगल ही जंगल, बीच में से रोड बन रखी है। हालांकि ट्रैफिक की आवाज़ है थोड़ी बहुत, यहाँ पर कंटिन्यूसली ट्रैफिक मूव कर रहा है लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ आना बंद हो रही हैं तो जंगल की जो एक शांति होती है ना वो फील हो रही है यहाँ पे। तो आई थिंक गाड़ियों के बाद में कोई और है नहीं, एक बार आपको भी मैं महसूस कराता हूँ उस चीज़ को, थोड़ा ट्रैफिक का फ्लो कम हो। इट इज़ जस्ट साइलेंस। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, अलग ही फील है यार इधर का, मतलब मज़ा। ये पीछे खड़ी अपनी बाइक, रास्ता एंजॉय करना पहाड़ों का किसी को अगर वो चाहिए, डू विजिट कुमाऊँ साइड ऑफ उत्तराखंड। अभी अपनी डेस्टिनेशन यहाँ से है अराउंड 60-65 किलोमीटर, तो काफ़ी तेज़ चला रहे हैं बाइक वाले इधर। अभी अपनी डेस्टिनेशन यहाँ से है अराउंड 65 किलोमीटर के आसपास, तो घंटे भर से ज़्यादा ही लगेगा। आराम से ब्रेक ले लेके चलेंगे और मज़े करते चलेंगे, बस यही है प्लान। मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है, आपको अगर ऊपर दिख रहा होगा तो बादल थोड़े छा गए हैं, ओवरकास्ट सा वेदर हो गया है। आई जस्ट होप बारिश ना आए, वरना बाकी सब तो ठीक है। क्विक चेंज ऑफ इवेंट्स, पीछे जहाँ जंगल वाली जगह पर मैं रुका था वहाँ से थोड़ी देर आगे चलते ही बारिश आनी चालू, बारिश वरना स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने एक जगह रुकने का सोचा, तो आसपास चलते चलते मुझे सबसे करीब चीज़ मिली ये टीन शेड है जहाँ पर मैं आकर रुका हुआ हूँ, और ये किसी गाय या भैंस का बांधने की जगह है अंदर। तो यहीं पर आके मैं अभी बस अकेले बाइक लगा के खड़ा हुआ हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे।
तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं ट्रैवल करने के। अप्रैल का महीना, सूखी गर्मी का महीना, एंड यहाँ पे तूफान आ रखे हैं पहाड़ों में। मुझे ज़्यादा डर लगता है लाइटनिंग से, क्योंकि पहाड़ों की लाइटनिंग बड़ी ख़तरनाक होती है, बादल हमारे क्लोज होते हैं, तो डेंजर ऑफ गेटिंग स्टक इन लाइटनिंग इज़ देयर। तो इसलिए आई डोंट थिंक चलना चाहिए, नहीं टिकना चाहिए जब तक कि तूफान थोड़ा गुजर जाए। बारिश रुकने के बाद मैंने अपना सफ़र आगे कंटिन्यू किया और लोहाघाट से पिथौरागढ़ के बीच का जो रास्ता है उसको कवर करने में मुझे लग गए थे अराउंड 1.5 से 2 घंटा, और रास्ता बड़ा ही ब्यूटीफुल था। लेकिन बीच में रास्ते में भी आधा घंटे करीब बारिश चलती रही, बट मैं इस बार रुका नहीं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश में चलता रहा। और इस टाइम तक बहुत ठंडी हो चुकी थी तो मैं थोड़ा भीग भी गया था और हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी, लेकिन मेरा टारगेट था पिथौरागढ़ तक पहुँचने का, तो मैंने रास्ता कंटिन्यू किया और शाम के करीब 6 बजे तक मैंने पिथौरागढ़ शहर में एंट्री ले ली थी। फिर उसके बाद एक हॉस्टल में जाके मैंने एक डॉर्म लिया और वहाँ पर ही रात का अपना गुजारने का ठिकाना बनाया। उसके बाद जो इस ट्रिप में मेरे साथ थोड़ा सीन्स होते हैं नेक्स्ट डे से, वो आपको पता चलेगा अगले ब्लॉग में। अभी तक आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें कि ऑडियो ओरिजिनल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।